लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखिए। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हां दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वॉइस के साथ में कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी फ्री में, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगा, या तो दोस्तों फिर डिस्क्रिप्शन कार्ड में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं अब आपको बताता हूँ जल्दी से कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन को फ्री में वॉइस के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए। फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक फाइल ऐसी देखने को मिलेगी फ्री स्क्रीन की। दोस्तों इस पे को हमें ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पॉपअप खुल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रन फाइनल में आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते आना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से नेक्स्ट करना है। इसके बाद आप करते आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, तो वो आप इंस्टॉल कर दीजिए। अपने आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगेगा, ये देख सकते हैं आप इंस्टॉल हो रहा है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे एक आइकन बना आ जाएगा ऊपर साइड में कोने में, तो वो जो आइकन है वो स्क्रीन रिकॉर्डर का ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता रहा है कि आप मतलब इतनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम में क्लिक करके यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो भी मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड कर देगा। ऐसा नहीं कि इतने जो आपको दिखाई दे रहा था उतना पार्ट रिकॉर्ड करेगा, अब ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट चांस इस सॉफ्टवेयर के यूज में लेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर आप वॉइस को भी साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो भी और जो कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है वो दोनों ही वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको चले जाना है यहाँ पे माइक के ऑप्शन में। यहाँ पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट नॉन में रहता है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सेटिंग को चेंज किया। दोस्तों आप भी यहाँ पे सिस्टम एंड माइक्रोफोन में क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपके जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड होने लगेगी बड़ी आसानी से। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में और बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग के आइकन में क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट्स देख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उसको यूज में आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शुरू करने के लिए यहाँ पे अब आपको रेड कलर के आइकन में क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है इसको आपको हटाना है, तो आपको कंट्रोल अल्टर प्लस ई में क्लिक करना है, तो ये आइकन जो है अपने आप हट जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज में लेना है। अब दोस्तों वो जो फाइल है उसको मतलब सेव करने के लिए कि कहाँ पे सेव हुई है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल अल्टर और F10 दबाना है, तो आपकी जो भी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाएगी आपके सिस्टम में। इसके बाद दोस्तों आपको चले आना है जिस PC में या माई कंप्यूटर के ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा एप ऑफ सॉफ्ट, तो दोस्तों इस पर आपको चले आना है। और यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो आपको एक और मतलब फाइल देखने को मिलेगी, इस पर भी चले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो सब आपको सेव हुई दिख जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।